लें जी फाइनल मैच हाफज उमर और पत्तों की सियाह समी के दरमियान बड़ा टाकरा फरीदिया ग्राउंड में दूसरा शहजाद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रॉस सिंगल विकेट पहली बॉल यॉर्कर की कोशिश बहुत ही अच्छा बॉल डॉट बॉल तीन तीन बॉलों पे फाइनल ये खेला जाएगा तीन बॉलों का फाइनल एक बॉल बीट हुआ है दूसरा भी बॉल बीट को आया बहुत ही अच्छी बॉलिंग हाफज द्वारा बिल्कुल नाकाम बैट्समैन चार बॉलों पे मैच है कमेंटेटर को थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाया वाह वाइड बॉल दो बॉल एक रन दो बॉल इस मैच की बाकी हैं बहुत ही अच्छी बॉलिंग लेकिन ये वाइड बॉल थोड़ा खसारे में डाल देगा एक छक्का चाहिए अगर दरकार होगा अगर हाफिज खुद ही बैट्समैन है तो चार बॉलों के ऊपर मैच ये मुश्तमिल बड़ा फाइनल आए बॉल की बड़ा बॉलिंग जोर कर किया तीन बॉलों पे एक रन आए अभी तक सिर्फ हाफिज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में अकेले खेले हैं और सिंगल हैंडेडली सब मैच जीते मैच में अगर पहले बैटिंग आती थी तो दो तीन छक्के लगाते थे अगर पहले बॉलिंग आई तो उन्होंने कोई स्कोर करने नहीं दिया किसी बैट्समैन को बड़ा बॉलिंग फ्रॉम हाफिज एक छक्का छक्का चाहिए जीतने के लिए और बहुत ही खुश होंगे अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से लेकिन अब बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस देखनी बाकी है बैटिंग में ये हैं जी ये आ रहे हैं जी हाफिज ये देखिए फाइनल सेकंड इनिंग दो रन एक रन डिफेंड करना है मोहम्मद शमी को पत्तों की सियाह बॉलर बहुत ही अच्छे पहली बॉल पे शॉट किया है वहाँ में बॉल देखना होगा छः रन मिलते हैं या नहीं जी नहीं ग्राउंड शॉट कुछ भी नहीं उनके स्पॉटर ने बहुत शॉट डाला कि ये छः हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन इससे कॉन्फिडेंस आएगा हाफिज साहब को दूसरा बॉल करने के लिए आएंगे मोहम्मद शमी और बॉल किया ग्राउंड शॉट कोई रन नहीं मिलेगा बहुत ही अच्छी बॉलिंग और ये अंधेरा हो चुका है बहुत जिसकी वजह से बैड लाइट की वजह से हाफिज साहब को मुश्किल हो रही है बैटिंग में लेकिन अगर इन्होंने एक वाइड करना बॉलर का लाजमी है अगर हाफिज को टाई करना है मैच अगर टाई नहीं होता तो छः करना चाहिए एक छक्का हाफिज के बल्ले से आना ज़रूरी है मैच जीतने के लिए और अगर कोई वाइड नहीं करते मोहम्मद शमी तो ये मैच उनके पक्ष में होगा बॉल के लिए आए हैं बॉल किया वाइड बॉल और ये मैच टाई हो चुका है दो बॉलों में एक छक्का चाहिए हाफिज को मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग टाई हो चुका है दो बॉल अगर सेव करते हैं तो मैच होगा टाई एक बॉल तो बीट हो चुका है और लास्ट बॉल पे सिक्स चाहिए हाफिज उमर को जीतने के लिए और अगर ये बॉल बीट करते हैं तो मैच टाई होगा और टाई मैच का फैसला बाद में इंतजामिया पे होगा और ये लास्ट बॉल का मैच पोतोगी से आज शमी ने कमाल कर दिया आज उनके बैट्समैन ने भी बहुत अच्छा साथ दिया लेकिन फाइनल में कोई रन नहीं बना सके बॉल बीट कर दिया और ये मैच टाई फाइनल मैच टाई हो चुका है अब ये दोबारा फाइनल होगा दो दो बॉलों का टाई होने के बाद पहली बॉल वाइड किया है मोहम्मद शमी ने फिर से ये मैच हाफिज उमर के पक्ष में आ चुका है एक वाइड है अगर एक सिक्स करते हैं तो मैं यकीनी तौर पर जीत लेंगे दूसरी बॉल और यॉर्कर बॉल हाफिज बिल्कुल पढ़ने में नाकाम अब दूसरा बॉल करने के लिए आएंगे आपको कैमरे में थोड़ा दिन नज़र आ रहा है ये कैमरे की सफाई है लेकिन अगर टाइम देखा तो जाए तो 6:10 हो चुके हैं और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है ग्राउंड में और ये भी बॉल बीट किया एक स्कोर है हाफिज उमर का अब एक स्कोर डिफेंड करना है हाफिज उमर को बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया मोहम्मद शमी ने अब उनके बैट्समैन देखते हैं कि एक सिक्स करने में कामयाब होते हैं या नहीं पत्तों की सियाह स्पेशल खेलने के लिए और जी सिर्फ और ये है पत्तों की से क्या नाम है भाई आपका छोटा तलहा दो बॉलों में सिक्स चाहिए ये मार सकते हैं आप इंशाल्लाह चलें बॉलर भी अच्छे हैं बैट्समैन भी तलहा आगे हैं हाफिज उमर टू बॉल का सामना होगा टू बॉलों में सिर्फ एक सिक्स चाहिए यह कोचिंग स्टाफ गुज्जर है यार स्पॉन्सर ये क्या कहना चाहते हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अल्लाह में विन करवाए विन कराए क्या बात है जी ये जी फाइनल की तरफ जी
दो बॉलों में सिर्फ एक सिक्स चाहिए तलखा पत्तों की उम्र पेसर पिसूरिया। फाइनल मैच पहली बॉल पे वाइट बॉल, मैच बिल्कुल बराबर की तरफ, फिर से फाइनल होगा। अगर दो बॉल बीट हुए फिर से फाइनल। छोटा तलखा फ्रॉम पत्तों की उमरी पेसर फ्रॉम कुजरांवाला। फाइनल मैच फ्री दिया हाफिज उमर, और तलहा ने बहुत बड़ा सिक्स दिया और फाइनल के लिए टीम विन तलहा। ये थे हमारे उमर भाई और ये थे तलखा। ये देखें जी, मैच जीतने के बाद पत्तों की वाले जश्न मना रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और क्राउड चेक करें, क्राउड ये मेहमाने खसूसी, इधर ही क्राउड, इधर भी क्राउड ही। ये भाई हैं जिन्होंने फाइनल विन किया, दूसरा शहजाद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अभी आए, इन्होंने विन किया, पत्तों की से आए हैं ये भाई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पत्तों की से अगर आपने मैच विन किया? तो आपको कसूर में स्पोर्ट किस तरह की स्पोर्ट किया इधर? जब पहला मैच हुआ चार बोले जो मैच आई हुआ तो आप प्रेशर कितना फील कर रहे थे? अब तो काफी खेल, प्रेशर कोई फील नहीं था, बस आदित पता होता है या हार होती है जीत होती है, फील नहीं लेते। ये साथ में समी भाई खड़े, इन्होंने आपका बहुत साथ दिया। फिर भी बस जब इतमाद हो तो फिर अल्लाह ताला का एहसान। चले थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।